नमस्कार, मैं मीनल, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। किराए की दुकान में कपड़े बेचकर जीवन यापन कर रहा है पूर्व मंत्री का पोता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर गिरावट जारी। दून में प्रदर्शित नहीं होगी केदारनाथ फिल्म, जिला अधिकारी ने दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। बुरहानपुर वर्तमान में राजनेताओं के 5 करोड़ों की संपत्ति, बंगला, गाड़ी होना आम बात है, लेकिन इन सब के बीच एक 3 बार रहे विधायक का परिवार ऐसा भी है जिसके पास कुछ नहीं है। हमेशा समाज सेवा में ही लगे रहे इस परिवार का पोता आज किराए की दुकान में बुरखा नकाब बेचकर अपना परिवार पाल रहा है। नई दिल्ली, पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले लगातार 13 दिनों तक रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बाद बुधवार को कीमतों में स्थिरता बनी रही। देहरादून केदारनाथ त्रासदी की पृष्ठभूमि पर बनी केदारनाथ फिल्म के विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजधानी में फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने के आदेश जारी किए हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।